क्या नाम है आपका? किस क्लास में है आप? पीजी। अच्छा, वोट गिरा रही हैं? हाँ। क्या लगता है 2019 का चुनाव बेगूसराय में कैसा रहेगा? अच्छा रहेगा। किनको वोट डालेंगी? गिरा सिंह। क्यों? कन्हैया कुमार तो युवा वर्ग में से हैं। अपना अपना सबका चॉइस। तनवीर हसन आपके बगल के हैं। जो भी हो, मोदी जी हमको चाहिए, तुमको उसके लिए गिरिराज सिंह को वोट देना। अच्छा, मोदी जी चाहिए, इसलिए आप मोदी जी के चलते गिरिराज सिंह को वोट करेंगी? हाँ, हाँ। ऐसा ही है। क्या नाम है आपका? जी मोहम्मद सोहेल। मोहम्मद सोहेल। सोहेल, आप वार्ड नंबर 4 के क्या है? पार्षद के प्रतिनिधि है। अच्छा, वार्ड पार्षद के प्रतिनिधि है। 2019 में क्या देख रहे हैं बेगूसराय संसदीय क्षेत्र? 2019 में त्रिकोणीय मतलब चुनाव है, जिसमें कि गिरिराज सिंह, कन्हैया जी और तनवीर हसन साहब हैं, जिसमें कि परवल जी से तनवीर हसन साहब को जितने का संख्या, हम लोग तनवीर हसन के साथ हैं। तनवीर हसन के साथ। कन्हैया कुमार कहाँ दिखाई दे रहे हैं? कन्हैया कुमार तो कहीं नजर ही नहीं आ रहे हैं, लेकिन सोशल मीडिया पर तो उनका बहुत सारा। सोशल मीडिया पे क्योंकि वो जेएनयू के पूर्व अध्यक्ष रह चुके हैं, इसलिए उनको सोशल मीडिया पर देखा जा रहा होगा, लेकिन कहीं यहाँ बलियाम खास नहीं आ रहे हैं। आप का ये दूसरा कार्यकाल है 2019 में, अभी आप ये बताइए कि कितना विकास विकास तो मात्र सात हिस्से में तो मात्र लड़ा है, हुआ ही नहीं नगर के तहत। क्यों नहीं हो पाता? क्योंकि लेकिन सरकार कह रही है कि हम रुपया भेजा, रुपया आ ही नहीं रहा है। बहुत ऐसे हैं रोड नाला, जो जहाँ मतलब कि रोड नाला बन ही नहीं पा रहे हैं। शौचालय पीएचडी का जो काम होना चाहिए, वो पीएचडी का काम भी नहीं हो पा रहा है, ना नगर से नलजल के तहत काम हो रहा है। शौचालय तो वहाँ लगभग मतलब कि जो लोग को मिल चुका है। कितना कमीशन लिया गया उसमें? कमीशन की कहीं बात ही नहीं आ रही है। कमीशन की कोई बात नहीं। ऊपर के पदाधिकारी? ऊपर के पदाधिकारी पेमेंट सबका हो गया, सबके अकाउंट में जाता है। ये बताइए कि शिक्षा व्यवस्था जो है, वो आंगनवाड़ी केंद्र हो या मध्याह्न भोजन से संबंधित जो भी संस्थान हो, एमडीएम का जहाँ योजना चल रहा है, वो भी आपके वार्ड में होंगे। आप संतुष्ट हैं वहाँ के पढ़ाई लिखाई? वहाँ के देखिए पढ़ाई लिखाई तो छोड़िए, खासकर आंगनवाड़ी जो चल रहे हैं उसमें क्या पोषक दिया जा रहा है, उन लोग की जानकारी नहीं हो पाती है, ना हम लोग को जानकारी हो पाती है। वार्ड सदस्य है ना? जी हाँ। कितने नंबर के वार्ड सदस्य? वार्ड नंबर 4 के। ये बताइए कि इस बार जो चुनाव हो रहा है उसमें तनवीर हसन कहाँ है, लड़ाई में है? जी हाँ। आप लोग वोट दे रहे हैं? दे रहे हैं तनवीर हसन को। क्या लगता है आप लोग को, चुनाव तनवीर हसन जीत रहे हैं? हाँ। हैं? हाँ। आप लोग किन के साथ हैं? तनवीर हसन के साथ। क्या है मैम आप? वार्ड पार्षद हैं। आपको क्या लग रहा है 2019 का चुनाव? किसको वोट कर रहे हैं इस बार? आप कुल को बोले? एकदम बोलना चाहिए, आप तो प्रतिनिधि हैं, क्यों नहीं बोलिएगा? हम लोग का तो मोदी तरफ जाएगा, मोदी जी के तरफ। कन्हैया कुमार हैं आपके बगल से, तनवीर हसन हैं, ये लोग आपको नहीं पच रहे जी? तो समय आने पर तो। अच्छा, आप विकास का कौन कौन सा काम किए हैं यहाँ वार्ड में? विकास का गिरी बनाए हैं, इंदिरा आवास जो करते हैं, ये सब नाला वगैरह वगैरह रोड। अच्छा, नाला वगैरह बनाए हैं। और शौचालय वगैरह का क्या स्थिति है? फिनिश हो गया है, इक्का दुक्का होगा, इक्का दुक्का बचा हुआ है। क्या लगता है आप अपने काम से कितना संतुष्ट हैं? अभी तो थोड़ा है, पूर्ण रूप से नहीं। पदाधिकारी लोग सहयोग करते हैं? कुछ कमी रहती है। कचरा कम, झाड़ू नहीं। आप क्या हैं? हम 12 नंबर वार्ड पार्षद हैं, मंजुला देवी। अच्छा, 12 नंबर में वार्ड पार्षद हैं। किस प्रखंड में आता है आपका? बलिया प्रखंड में। क्या सब विकास की योजनाएं हुई है अभी तक आपके वार्ड में? जीरो। कुछ नहीं सर। क्यों नहीं हो पाता है? वो तो ऑफिस जवाबदेही है, ऑफिस से प्रॉब्लम होती है। प्रखंड विकास पदाधिकारी क्या बोलते हैं? कुछ नहीं, हम लोग का कोई नहीं, और पार्षद का हो रहा है, हम लोग का कुछ नहीं हो रहा है। आपका कुछ नहीं हो रहा है, इसके पीछे का वजह कुछ तो पता चला होगा ना आपको? वजह हम क्या बताएं इसके लिए, तो मतलब कि हमारे साथ हमारा काम नहीं हो रहा, बस हम यही जानते हैं। वजह हम इसका क्या बताएं, बताइए। 2019 का चुनाव सामने है, कौन जीत रहे हैं बेगूसराय से? अब कौन जीत रहे हैं, जीतने के लिए तो हम लोग जिनके पार्टी में है उनका तो सपोर्ट करेंगे। नहीं, जैसे किनका सपोर्ट कर रहे हैं? गिरिराज सिंह, कन्हैया कुमार, तनवीर हसन। अब
देखिए अपना अपना चॉइस है। फिर भी आप प्रतिनिधि हैं, आप बताएं। गिरिराज सिंह को, गिरिराज सिंह को क्यों यहाँ से? तो तनवीर हसन भी हैं आपके क्षेत्रीय उम्मीदवार हैं। अपना अपना देखिए, ये तो कन्हैया कुमार हैं बेगूसराय से हैं। देखिए ये तो पब्लिक का मामला है, जिसको पसंद करेगी पब्लिक उसको चुनेगी। सर आप वार्ड नंबर 12 के प्रतिनिधि के पति हैं। जी हाँ। आप बताइए कि उनका कहना है कि ब्लॉक से या प्रखंड से पदाधिकारी लोग जो है वो सहयोग नहीं करते हैं, वहाँ पे दबंगई होती है, आप कहाँ तक सहमत हैं इस आरोप से? ये तो सही बात है कि दबंगगिरी वहाँ को स्टाफ और जितना भी वहाँ के जो अफसर लोग हैं जो नगर पंचायत के हैं जी, उनके कारण 12 नंबर वार्ड का विकास नहीं हो रहा है, नहीं साफ सुथरा हो रहा है। 50 बार मुद्दा उठाने के बाद भी वे कोई एक्शन नहीं आता है, टोटल मुद्दा लिखित में दिया जाता है। अच्छा, 2019 का चुनाव को किस रूप में देख रहे हैं आप? 2019 के चुनाव में तो केंद्र में तो मोदी सरकार आएगी। अच्छा, बेगूसराय से? बेगूसराय जिला में लोकसभा के सीट में तनवीर हसन अपना गिरिराज सिंह में ही टक्कर है। कन्हैया कुमार? कन्हैया कुमार 3 नंबर पर है। वो 3 नंबर पे है, उनके वो तो बता रहे कि हम जीत रहे हैं, उनको युवा तो जनता जवाब देगी। अगर मान लीजिए आप किसी के यहाँ भी जाइएगा तो कहेगा कि तीनों पार्टी जाएगा। कन्हैया क्यों नहीं, उसमें क्या बुराई है? कन्हैया में क्या बुराई है? कि कन्हैया अभी बहुत बच्चे हैं इस सब चीज में। तो जेएनयू के पूर्व अध्यक्ष भी हैं सर जी? जेएनयू के पूर्व अध्यक्ष भी हैं वो है, तो उसका आप नारा क्या दिए थे? अच्छा, इन वजहों से आम नागरिक में आक्रोश है? नहीं,